चीनी रॉकेट तियानलोंग 3 जमीनी परीक्षण के दौरान लॉन्च होने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉकेट लॉन्च करने वाली कंपनी स्पेस पायनियर ने अपने बयान जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है। ये घटना तब हुई जब तियानलोंग 3 रॉकेट का पहला चरण संरचनात्मक विफलता के कारण अपने लॉन्च पैड से अलग हो गया, जिसके बाद रॉकेट मध्य चीन के गोंगई शहर के एक पहाड़ी इलाके में जा गिरा। बताया जा रहा है कि रॉकेट बॉडी और परीक्षण प्लेटफॉर्म के बीच कनेक्शन विफल हो गया था, जिससे पहले चरण का रॉकेट लॉन्च पैड से अलग हो गया। बता दें कि स्पेस पायनियर ने अपने तियानलोंग 2 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, जो तरल वाहक रॉकेट को कक्षा में भेजने वाला चीन का पहला वाणिज्यिक लॉन्च ऑपरेटर बन गया था। तो वहीं स्पेस पायनियर का दावा है कि तियानलोंग 3 का प्रदर्शन स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के बराबर है। ये रॉकेट की पहली सफल उड़ान के बाद प्रतिवर्ष 30 से अधिक बार रॉकेट लॉन्च करने में सक्षम होगा।